वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप अ थी लईने अह सुधीनी एक्सरसाइज जोईशु। स्वाध्याय, आज हम स्वाध्याय करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, चित्रों जोईने पहला अक्षर साथे जोड़ो। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम विथ द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। आपको यहाँ पर पिक्चर देखना है और उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है वो आपको सोच के उसके साथ मैच करना है। ओके, ठीक है, चलो तो देखते। अब देखिए, यहां पर बीच में स्वर लिखे हुए हैं। ओके, ए अम औ ओ, अब ये लिखा हुआ है तो अभी आपको पिक्चर भी देखना है। तो देखो, ये पिक्चर किसका है, इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, ओ शिकू, ओ ओ शिकू नू ओ। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, ओ हो गया ना, तो आपको ओ से मैच करना है। ओ ओ शिकू नू ओ, तो आपको ओ से मैच करना है। ओके, फिर ये वाली पिक्चर किसकी है, मेडिसिन बोलते हैं और गुजराती में औषध, तो हम क्या बोलेंगे, औ औषध नो औ। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या हो गया, औ हो गया, तो आपको औ से मैच करना है। फिर क्या है, ये क्या दिखा रहा है, अंगूठा, थम, है ना, तो अंगूठे का क्या बोलते हैं, अम अंगूठा नो अम, बराबर। तो आपको अम यहाँ पे दिख रहा है, इसका फर्स्ट लेटर अम हो गया, तो आपको उसे मैच करना है इस तरह से। फिर ये क्या है, ए एक नो ए, ये एक है ना, तो किसे एक बोलते, तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है, ए एक नो ए, तो इसका फर्स्ट लेटर ए हो गया, तो आपको ए से मैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, वर्तुळना अक्षर ओळखी सरखा अक्षर साथे जोड़ो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द लेटर्स गिवेन इन द सर्कल एंड मैच देम विद दे सिमिलर लेटर्स। आपको सर्कल के अंदर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी स्वर लिखे हुए हैं, उसको आपको साइड में जो स्वर लिखे है उसको देख करके उसमें से जो सेम आपको दिखता है, सिमिलर दिखता है, मैच हो रहा हो, उससे आपको मैच करना है। ओके, जैसे ये ओ है, फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, ओ, तो आपको सर्कल के अंदर देखना है ओ कहाँ है, इसके जैसा सेम इसके जैसा दूसरा कोई दिख रहा है क्या, चेहरा ये है क्या, नहीं, इसमें दो मात्रा आ गई, इसमें कितनी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये भी नहीं है, इसमें एक मात्रा है, लेकिन फिर साइड वाली आग की मात्रा कहाँ गई, वो भी नहीं है, एक डंडी ज्यादा की नहीं है, तो ये भी नहीं है, इसमें मात्रा भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये देखो, इसमें देखो साइड में भी डंडी है और मात्रा कितनी है, एक ही है ना, तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो आपको इस तरह से इसे मैच करना रहेगा। ओके, इस तरह से सेकंड भी है, आपको देखो अ के ऊपर ऐसा बिंदु वाला है ना, तो देखो बिंदु किसके ऊपर है, इसके ऊपर है ना, तो आपको उस इसे और इसे दोनों को सिमिलर सिमिलर हो गए ना, तो इनको मैच करना होगा इस तरह से, ठीक है। फिर ये अ है, उसके ऊपर दो मात्रा है, तो अ दिखे और जिसके ऊपर दो मात्रा दिखे वो कहाँ है, देखो तो साइड में तो नहीं है, लेकिन कहाँ है, बीच में है, है ना, अ और उसके ऊपर दो मात्रा, तो आपको उसे मैच करना होगा, ठीक है। अब क्या बच गया, ए बच गया, अब अ लिखा है उस पर एक मात्रा है, तो कहाँ है वो, ये रहा, तो आपको उसे भी मैच करना होगा। अब लास्ट में क्या बच गया, औ, जिसपे दो मात्रा है, तो उसे आपको मैच करना होगा। ओके, आपको जैसे मैच करने आए वैसे मैच कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको जो सिमिलर सिमिलर लेटर दिखते हो ना सामने सामने, उसे आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, तारा उमा स्वर अ ती अम लखो, राइट द वोवेल्स इन द स्टार्स। ओके, स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल्स। देखो यहाँ पे स्टार जैसी पिक्चर बनाई है ना, इसमें आपको अ से लेके अम तक का लेटर आपको फिल करना है। ओके, इस तरह से पहले क्या लिखोगे, अ, उसके बाद में आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, अह, इस तरह से आपको स्टार में अ से लेके अहम तक कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फोर नंबर का, समान अक्षरों वाला शब्दों पर वर्तुड़ करो, सर्कल द सिमिलर लेटर। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है, ये क्या लिखा है, सबसे स्टार्टिंग में ऊ लिखा है, अब यहाँ पे सामने क्या लिखा है, शब्द लिखे है ना, अब उन शब्दों में ऊ कहाँ है वो आपको ढूंढना है, जैसे कि इसमें ऊ यहाँ पे, इस पे सर्कल किया,
वैसे दूसरा ऊ कहाँ है, ये रहा, इस पे सर्कल करना है। उसके बाद तीसरे वाले लेटर में, इसमें देखो ऊ ये रहा शब्द है ना, ये शब्दों में आपको ये वाला जो लेटर सामने लिखे हुए वो ढूंढने और उस पर सर्कल करने है। ओके, जैसे ये अम है तो अम यहाँ पे देखो कहाँ दिख रहा है, ये वाले शब्द में यहाँ पे दिख रहा है, इस पे सर्कल करो। ये वाले शब्द में स्टार्टिंग में यहाँ पे सर्कल करो, फिर यहाँ पे भी स्टार्टिंग में इस पे सर्कल करो। इस तरह से आपको सर्कल करने, जैसे ए है, ए में भी आपको ए यहाँ दिख रहा है, ये इस पे सर्कल करो। फिर ये ए यहाँ पे दिख रहा है, इस पे सर्कल करो। उसके बाद में ये वाला ए भी यहाँ पे है, इस पे सर्कल। यानी आपको यहाँ पे जो लेटर्स दिख रहे हैं ना, सेम वैसे ही लेटर्स आपको सामने शब्दों में देखना है और जहां दिखता है उस पर सर्कल करना है। हमने पहले क्या किया था, मैच किया था, अब आपको क्या करना है, उसको ढूंढकर उस पर सर्कल करना है। वैसे देखो ये ई है, ई भी देखो आपको यहाँ के लेटर के फर्स्ट में ही है, देखो है ना, शब्दों के पहले ही लिखा हुआ है लेटर। ओके, तो ये आपको इस तरह से सर्कल करना है ढूंढ के। ये री है, री में भी आपको इस तरह से सर्कल करना है। ओके, जहां जहां आपको ये लेटर्स सामने दिखेंगे वहां पर आपको सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइव नंबर का, ओळखो वाचो अने योग्य उच्चारण करो, रीड द प्रोनाउंस करेक्टली बाय आइडेंटिफाई। ओके, आपको यहाँ पर अ से लेके अहम तक के स्वर लिखे हुए, वो आपको रीड करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। वंदे मातरम, थैंक यू।